उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सिपाही शहीद हो गया है। किच्चा के गोरी कला लाल शहीद हो गए हैं। बेटे के शहादत पर पिता को गर्व है। लद्दाख बॉर्डर पर शहीद हो गया किच्चा के गोरी कला का लाल शहीद हो गया और बेटे की शहादत पर पिता को गर्व है। उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सिपाही की शहीद होने की खबर सामने आ रही है। किच्चा के गोरी कला का लाल जो है लद्दाख बॉर्डर पर शहीद हो गया। बेटे की शहादत पर पिता ने कहा कि उन्हें गर्व है। तो लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सिपाही शहीद हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नसीम खान फोन लाइन पे बने हुए हैं। नसीम, बेटे की शहादत पर पिता को गर्व है, लद्दाख के बॉर्डर पर ये लाल शहीद हो गया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा विधानसभा के गोरी कला गांव का रहने वाला देव बहादुर लद्दाख के लेह में शहीद हो गए हैं। जी, जिसकी सूचना कल जो है फोन पर मिली थी कि कल उनका जो पुत्र था वो घायल हो गया था। आज सुबह फोन पर पुनः सूचना मिली कि उनके बेटे की शहादत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। शहीद देव बहादुर वर्ष 2016 में गोरखपुर रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। जी। वर्तमान में शहीद की तैनाती लद्दाख में थी। परिजनों से शुक्रवार को शहीद देव बहादुर ने वीडियो कॉलिंग कर बात की थी और परिजनों से कहा था कि अब मुझे कॉल मत करना क्योंकि उसे पहाड़ी पर भेजा जा रहा है, वहां पर नेटवर्क नहीं आएगा। जिसके साथ ही उसने नवंबर में अपने घर वापस आने की छुट्टी पर बात की थी। शहीद के परिजनों ने उसका विवाह के लिए लड़की को देख रखा था जो नवंबर में ही उसकी शादी होनी थी, लेकिन इस ऐसी शुभ घड़ी आने से पहले ही ऐसा जो है तकलीफ देह समाचार उसके परिवार को आ गया और वो पूरे इलाके में शोक की लहर है। सभी लोग सांत्वना देने के लिए उनके परिवार के पास जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि शहादत पर देव बहादुर की शहादत पर लोगों को गर्व भी है। जी पूजा जी, बिल्कुल बिल्कुल गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम तमाम जानकारी के लिए।